ये लक्षण बताते हैं कि आप भक्ति में अभी बच्चे हो। मित्रों, भक्ति हर आत्मा का नेचुरल जीवन है। अनंत आत्माओं में किसी सौभाग्यशाली आत्मा को ही हरि भक्ति प्राप्त होती है, पर कोई भी व्यक्ति भक्ति में एकदम से सिद्ध नहीं होता। हर साधक अलग अलग अवस्थाओं से होकर भक्ति में आगे बढ़ता है। हर साधकों को बीच बीच में अपनी भक्ति की अवस्थाओं को जांचते रहना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में कुछ लक्षण बताए जा रहे हैं। अगर आप में लक्षण दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि आप भक्ति में अभी बच्चे हो और आपको अभी बहुत ग्रो करना है। और पहला है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ ऐसा लगना। मित्रों, आरंभिक अवस्था में कुछ ऐसे साधक होते हैं जो एक या दो बार गीता वगैरह कुछ पढ़े होते हैं और वे उसी से गर्व करने लगते हैं और समझते हैं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ और सब मुझसे छोटे हैं, और उनका ये अज्ञान स्पष्ट रूप से उनके व्यवहार में दिख रहा होता है। अगर आप में गुण हैं तो आप समझ जाओ कि आप अभी बच्चे हो। एक आत्मा पूर्ण ज्ञानी तभी हो सकता है जब वो अपने साथ भगवान के संबंध को रियलाइज करता है। तब तक सभी पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते, इसलिए विनम्र बनकर भक्ति करें। और दूसरा है, मेरे में बहुत कृष्ण प्रेम है ऐसा लगना। मित्रों, आरंभिक कुछ ऐसे साधक होते हैं जो नए भक्ति के उल्लास में होते हैं और वे इसी को कृष्ण प्रेम समझकर रील्स बनाकर नाचना या कृष्ण के लिए दिखावटी रोना आदि शुरू कर देते हैं। वास्तव में ऐसे लोगों को कोई भी भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता, वो केवल नए चीज का रोमांच मात्र होता है। अगर आप भी समझते हैं कि आप कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं तो आप समझ जाओ कि आप भक्ति में अभी बच्चे हो। कृष्ण प्रेम या कृष्ण के प्रति आकर्षण ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत उन्नत अवस्था पर जाने के बाद ये प्राप्त होता है। जब व्यक्ति भक्ति के आसक्ति के अवस्था में प्रवेश करता है तब उसका कृष्ण के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है और भाव अवस्था में वे कृष्ण से प्रेम करने लगता है। इस धरा पर पहुंचे बिना ऐसा बोलना कि मुझे कृष्ण से प्रेम है ये केवल भ्रामक सोच मात्र है। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करें। और तीसरा है, मैं भक्ति करता हूँ ऐसा लगना। मित्रों, हर नए साधक को ऐसा लगता है कि वे खुद के दम पर भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। पर मित्रों, ये केवल अज्ञान मात्र है। एक बद्ध जीव के पास इतनी शक्ति नहीं कि वो भक्ति कर सके। भगवान अपनी शक्ति का संचार जब जीवों में करते हैं तब उस शक्ति के बहाव में साधक नाम जप, सत्संग, शास्त्र रीडिंग आदि कर सकता है। अगर भगवान अपनी शक्ति निकाल लें तो कोई भी नाम जप या भक्ति की तरफ आकृष्ट भी नहीं हो सकता। करने की बात तो बहुत दूर रही। इसलिए हमेशा भगवान को धन्यवाद देते हुए विनीत भाव से भक्ति करना चाहिए, तभी व्यक्ति अपने घर वापस लौट सकता है। और चौथा है, मुझे लोग रिस्पेक्ट करें ऐसा भाव रखना। मित्रों, हर बद्ध जीव में ये भ्रामक इच्छा है कि हर कोई मेरी इज्जत करे और प्रशंसा करे, और ये भाव हर आरंभिक साधक में होता ही है। भक्त चाहता है कि लोग उसकी भक्ति की क्रिया की वजह से उसका सम्मान करें। ये जो सम्मान पाने का रोग है इसको संतों ने शूकर का विष्ठा कहा है। भक्ति हम प्रभु की वजह से कर पाते हैं और हमारे अंदर जो गुण, पवित्रता, योग्यता, धन आदि सब कुछ है वो सब कृष्ण की देन है। जो प्रभु की संपत्ति हो उसके लिए हम प्रशंसा चाहते हैं। भगवान हमारे माध्यम से दूसरों का भला कर रहे हैं, हम केवल निमित्त मात्र हैं। तो आप ही सोचिए, प्रशंसा हमारी होनी चाहिए या प्रभु की? पर हम खुद अपनी प्रशंसा चाहते हैं। इसी को बच्चेपन का लक्षण बोलते हैं। इसलिए मान की भावना को छोड़कर दूसरों को मान देते हुए विनम्र बनकर भक्ति करना चाहिए। और पांचवा है, एकदम से मानसिक जप स्टार्ट करना। मित्रों, जब आरंभिक साधक ये सुनते हैं कि मानसिक जप साधारण जप से 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली है तो वे मूर्ख लोग उच्चारण जप को छोड़कर मानसिक जप करने लग जाते हैं और मूकी खाते हैं। ये बच्चेपन का ही लक्षण है। कभी भी उपांशु या मानसिक जप नहीं करना चाहिए। उपांशु और मानसिक जप केवल उच्च स्तर के साधकों के लिए है। हमें हमेशा उच्चारण जप ही करना चाहिए। जो उच्चारण जप है वो उपांशु और मानसिक जप से कई गुना श्रेष्ठ है। इतिहास में जितने भी श्रेष्ठ संत हुए हैं उन्होंने उच्चारण जप की ही प्रशंसा की है। श्रील हरिदास ठाकुर और बाकी श्रेष्ठ भक्तजन बहुत ऊंचे स्वर में हरिनाम का जप करते थे, और हमें भी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के ही पदचिन्ह पर चलना चाहिए। इसलिए मानसिक जप छोड़े और उच्चारण जप करें। और छठा है, मुझे भक्तों या गुरुओं की जरूरत नहीं है, मैं अकेला भक्ति कर लूंगा ऐसा भाव रखना। मित्रों, आरंभिक साधकों में बहुत सी कमियां होती हैं। उनमें उच्च श्रृंखलता और अज्ञान प्रचुर मात्रा में होता है, और वे इसी के आधार पर कहते हैं कि मुझे गुरु और भक्तों की कोई आवश्यकता नहीं है।
जिसमें अकेले भक्ति करके धाम चला जाऊंगा। अगर आप में भी ये भाव है तो आप समझ जाओ कि आप भक्ति में अभी बच्चे हो। भक्ति में आप भक्तों के संग के सिवा आगे ही नहीं बढ़ सकते। बिना गुरु के मार्गदर्शन के और भक्तों के संग के भगवत प्राप्ति असंभव है, क्योंकि भक्ति के रास्ते में माया देवी अनेक जाले बिछाए हुई हैं। बिना मार्गदर्शन के हम उसमें फंस सकते हैं। इसलिए भक्तों का संग करते रहें और संतों के सत्संग सुने और भक्ति करें, यही सिद्धि का उपाय है। ऐसे मित्रों, ये कुछ ऐसे 6 लक्षण हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आप भक्ति में कितना आगे बढ़े हुए हैं। भक्तगण जाने अनजाने कुछ गलतियां कर रहे होते हैं पर उन्हें इसका भान नहीं होता, इसलिए सत्संग से अपने में सुधार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।